हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी के लिए गुड न्यूज है बेटा, मैं सुदेश साहू एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। हमारे सीजीसेट और सीएसआईआर नेट के कोर्स के सक्सेसफुल डिलीवरी के बाद हमने बच्चों को बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया है उनके एग्जाम पर्पज के लिए। अब हमने प्लान किया बेटा कि एक मैं और एक आदित्य सर जो कि बॉटनी के टीचर है, हम मिल करके एक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे फॉर दी पीजीटी बायोलॉजी। तो जितने भी बच्चे पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जैसे कि अभी सीजी में ये एग्जाम आया हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू ये तो उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया है कि भाई इस साल हम पीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम कराएंगे। तो भाई मेरे जितने भी स्टूडेंट जिनका बीएड हो चुका है वो इस कोर्स को मिस मत करे, क्योंकि मैं बेस्ट कंटेंट, बेस्ट नॉलेज एंड बहुत बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, जैसे 100% श्योरिटी होगी कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। ये हमारा पहला लेक्चर है बेटा इस वीडियो का। इसके पहले जो हमने लेक्चर आपको प्रोवाइड किया था वो सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में थे। सेम यही पैटर्न, जिस पैटर्न में मैं आपको वीडियो शो कर रहा हूं, इसी पैटर्न में आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा। फुल्ली रिकॉर्डेड वे में आपको वीडियोस मिलेगी। आज का जो हमारा टारगेट है बेटा वो ये है, आपका हमको बायोलॉजी पीजीटी को टारगेट करना है। हमारा जो एग्जाम है वो बायोलॉजी पीजीटी का एग्जाम है बेटा, ठीक है। तो यहां पे मैं फुल हेडिंग डाल देता हूं, पीजीटी एग्जाम के बारे में हम टारगेट कर रहे हैं, ओके। अब इस एग्जाम में जैसे कि मैंने आपको बेटा, सबसे पहले हम आपको डिलीवर करेंगे 3 चैप्टर्स को, और इसी से हमारे नॉलेज के बारे में आपको चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। ये तीनों लेक्चर मैं आपको फ्री में YouTube में प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद हर एक वीडियो लेक्चर हमारे वेब में, जिसको आप सर्च कर सकते हैं www.lifesciencetutorials.com पे, वहां पे आपको 3 कोर्सेज मिल जाएंगे। एक आपका पीजीटी का, एक आपका सीएसआईआर नेट का बेटा, और एक मिल जाएगा आपको सीजी सेट एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेटा कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई से, जिसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। जिनमें हम कोशिका संरचना एवं कार्य, मतलब कि सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटेल करेंगे। मतलब ये वाला जो पहला पॉइंट है वो एक चैप्टर को मेंशन करता है। लगभग इस चैप्टर को कंप्लीट करने में 6 to 7 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। तो 6 to 7 लेक्चर में डिटेल स्टडी करेंगे कोशिका के बारे में। और उसके बाद सेकेंड है बेटा कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, दैट मीन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को कंप्लीट करेंगे। और हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा, तीसरा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा बेटा बायोमोलिक्यूल्स। तो हमने प्रीवियसली जो 20 सालों में जितने भी पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, 20 सालों में जितने भी पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम्स हुए हैं, हमने हर एग्जाम के डेटा को देखा, एनालाइज किया, और हमने आपके लिए एक एक्सट्रैक्ट निकाला है बेटा, जिसको मैं इस कोर्स में प्रोवाइड करूंगा। आपको बहुत ही हाई क्वालिटी ऑफ बायोलॉजी कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, इस बात की प्रॉमिस है। इवन एग्जाम डेट आने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पूरे वीडियोस आपको रिकॉर्डेड मोड में मिलेंगी। लाइव डाउट सेशन क्लासेस होगी, हम अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस भी लगाएंगे, और साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होगी। अच्छा, कई बच्चे जो सीजी सेट एग्जाम में मेरे पास कोचिंग कर रहे थे, उनको बेटा इंग्लिश में कंटेंट मिल रही थी। तो इस बार हमने प्लान किया कि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा हिंदी मीडियम वाले हैं, तो हम इस कोर्स को बाइलिंगुअल कैटेगरी में प्रोवाइड करेंगे। और ज्यादातर कोशिश रहेगी कि हम अपने कंटेंट्स को हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करें। सो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है। आप इस कोर्स को इनिशियली कल 15 तारीख से वीडियो लॉन्च हो रही है, ये कोर्सेस लॉन्च हो रही है, और आप कभी भी हमारे कोर्स में, हमारे वेब में जाकर के इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस, यदि हम बात करें बेटा इस कोर्स के प्राइस का, तो ये कोर्स का प्राइस अभी मैंने प्राइस ऐड किया हुआ है, यहां पे ले लेते हैं प्राइस 5000 का है बेटा, ठीक है, 5000 का है। मगर फर्स्ट 50 स्टूडेंट की बात करूं, 50 स्टूडेंट जो हमारे बनेंगे
उनके लिए ये प्राइस कम है, इनको 1000 का क्या मिलेगा बेटा, डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो इनको टोटल प्राइस हो जाएगा, मतलब ये प्राइस पड़ेगा 3999 रुपए का, मतलब 4000 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड होगा। और ऐसा नहीं कि हम पीजीटी की स्टडी करा रहे हैं, मतलब अदर कोचिंग की तरह आपको लोअर कंटेंट प्रोवाइड हम नहीं करेंगे। हमने एग्जाम के क्वेश्चन देखे हुए हैं, आपको पता है मेरे बारे में बेटा, मैं 6 times CACR नेट क्वालिफाइड हूं, कई सारे एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं, इवन आई एम सेलेक्टेड इन असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, कुछ दिनों में मेरी पोस्टिंग आ जाएगी, फिर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाऊंगा, तो उसके बाद मैं नए कोर्सेस तो लॉन्च नहीं कर पाऊंगा, बट अभी जो मैंने कोर्सेस प्रोवाइड कर दी है वो मैं कंप्लीट करके जाऊंगा। तो यदि आपको भरोसा है कि भैया सुरेश सर बहुत क्वालिफाइड हैं, CACR नेट क्वालिफाई किए हैं, इवन पीजीटी में मैं 2016 से पीजीटी की क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहा था, तो हमारे बहुत सारे सिलेक्शन हैं जिनको मैं आपसे मिलाऊंगा भी, कुछ टीचर्स हैं जो टॉप 20 में आए थे, मे भी उनका भी इंटरव्यू मैं कंडक्ट कराऊंगा, ताकि एग्जाम का प्रेशर किस तरीके से आपको झेलना है, आपको कंपनसेट करना है और एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाने हैं। तो हमारी बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी है बेटा, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि हमारे बच्चे जो है वो 15 से हमारे नए कोर्स को ज्वाइन करें, और जब भी उनको कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो सीधे वो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेस करेंगे हमारे कोर्स को, तो हम आपको हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कराएंगे व्हाट्सएप का, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड रहेंगे, और कभी भी आपको कोई इश्यू होती है तो आप तुरंत सूर्य सर को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे और जितना बेहतर तरीके से हो सके उतने बेहतर तरीके से आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो मेरे छत्तीसगढ़ के बच्चों, आपके लिए ऑफर है, शुरू के 50 स्टूडेंट के लिए 1000 रुपीज का डिस्काउंट होगा, उसके बाद ये जो कोर्स का जो प्राइस है वो वापस से आफ्टर 50 स्टूडेंट 4999 का हो जाएगा, और इसमें आपको कोई भी कंसेशन नहीं मिलेगा। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, मैं आपको बता देता हूं कि भाई हम आपको जो, जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरी पहली क्लास है, ये क्लास में मैं जो भी कंटेंट पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ, पहले वीडियो अपलोड होगी और वीडियो के नीचे में आपका पीडीएफ अपलोड होगा, मतलब आप तुरंत के तुरंत नोट्स भी देख सकते हैं और इस पूरे क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो हम यूट्यूब में लाइव आकर के आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे, तो वो भी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे बेटा, और जितने भी मेरे बच्चों का सपना है कि मुझे टीचर बनना है, मैं तो टीचर बन गया हूं, मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं भी होता तो मेरा एक ही प्रोफेशन है टीचिंग, और सिर्फ मुझे बायोलॉजी पढ़ाना आता है बेटा, तो यही बायोलॉजी का कंटेंट मैं अपने बच्चों को प्रोवाइड करूंगा आफ्टर एग्जाम। जब आप अपने बच्चों को वो डेप्थ लेवल ऑफ बायोलॉजी प्रोवाइड करोगे तो वो भी मानेंगे कि हाँ भाई मेरा टीचर के पास बहुत नॉलेज है। ठीक है, उनको बता देना कि सुदेश से पढ़े हो। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बेटा, और हमारा ये नया कोर्स का आज लॉन्चिंग डेट है, आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट दी सेल। ओके, और हाँ, ये कोर्सेस सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है बेटा, ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम को भी टारगेट करते हैं, और वो पूरा कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक आपको जितने भी एग्जाम मैंने मेंशन किए हैं, जैसे कि KBS एग्जाम हो गए, आपका NVS एग्जाम, केंद्रीय विद्यालय हो गए, नवोदय विद्यालय होंगे, EMRS के एग्जाम हो गए, CGPGT हो गया, MPPGT हो गया, महाराष्ट्र PGT हो गए, जितने भी बायोलॉजी में PGT एग्जाम कहीं भी स्टेट में होते हो, तो मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो आपके हर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के कंटेंट को टच करे। ठीक है, तो यहां पे हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर और बेसिक डिलीवरी करेंगे बेटा सेल बायोलॉजी या फिर कोशिका विज्ञान के बारे में। और हाँ बच्चों, ये जो वीडियो है वो यूट्यूब में अपलोड होगी, हमारा वेबसाइट या फिर कोर्स परचेस करना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी चीजें मैंने ऐड कर दी है, जो भी आपको डाउट होगा या फिर कुछ भी क्वेरी होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस कोर्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए बेटा,
स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर, जिसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय सेल, मतलब कोशिका से आप क्या समझते हैं। तो आप सभी को पता है बेटा कि कोशिका मतलब हम बात करें किसकी, सेल की। सेल क्या होती है, तो जीवन की इकाई होती है बेटा। क्या होती है, जीवन की इकाई होती है। इकाई का मतलब हम बात करें किसका, यूनिट की बात करें बेटा। किसकी बात कर रहे हैं हम, यूनिट की बात कर रहे हैं। तो हम क्यों इसको यूनिट बोलते हैं, तो जैसे कि हम सेल को सिंपली, जैसे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, सेल हमारा स्ट्रक्चरल, ठीक है बेटा, एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल मतलब वो ये हो गया बेटा संरचनात्मक, ठीक है, ये संरचनात्मक होता है और प्रकार्यात्मक होता है, प्रकार्यात्मक, ठीक है भाई। तो दो फंडामेंटल यहां पे मैंने नोट कर दिया। देखो कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम कवर हो जाए, ताकि दोनों स्टूडेंट को ये कोर्स सुटेबल लगे। अब मैं बस आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। तो इसका रीजन ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बना होता है बेटा, सेल से बना होता है। और बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। अब यार ये टिश्यू की बात कर लेते हैं चलो, ठीक है। तो सेल से बन गया तुम्हारा टिश्यू, और टिश्यू से बनता है बेटा ऑर्गन, ठीक है। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से क्या बनता है बेटा, ऑर्गन से बनता है तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम। ये लो ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मतलब हम बात कर रहे हैं जैसे कि हमारे जैसा ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल का मतलब तो सभी जानते हैं, यहाँ बेटा कोशिका की बात हो रही है, यहाँ पे उत्तक की बात हो रही है। टिश्यू मतलब क्या होता है, उत्तक होता है। ऑर्गन मतलब हम बात करें किसका, अंग उपांग की बात कर रहे हैं। और ऑर्गन सिस्टम मतलब हम बात करें बेटा पूरी संरचना का, या फिर मानव शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं मानव का शरीर नोट कर देता हूं, क्योंकि हमारा ये एग्जाम्पल है। अब मुझे बताओ कि भैया एक ह्यूमन बॉडी को रेगुलेट करने का काम, ठीक है, ह्यूमन बॉडी को रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है। मुझे लगता है डायरेक्टली सेल कर रहा है। मतलब ये एक शरीर जो है, एक पूरे, मैं शरीर की बात करता हूं, शरीर चाहे वो प्रोकैरियोट हो, देखो प्रोकैरियोट को मैं लिखूंगा बेटा पीके, ठीक है, या फिर क्या हो, यूकैरियोट हो, यूकैरियोट को मैं ईके लिख रहा हूं। सभी जीव सेल पर निर्भर होता है भाई, सेल पर निर्भर होता है। सेल पर निर्भर होता है का मतलब ये है कि भैया सेल के बिना कोई भी जीवन की क्रियाएं कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है भाई। मैंने कहा विदाउट सेल, ठीक है, विदाउट सेल जीवन की कोई भी क्रिया, राइट, तो मैं लाइफ का प्रोसेस बोल देता हूं बेटा, ठीक है। लाइफ की कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस पूरा नहीं होगा, ठीक है, यहां पे बिल्कुल नहीं होगा बेटा। तो इसीलिए चाहे वो ऑर्गेनिज्म लिविंग में प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, मगर इनका जो फंडामेंटल जो पैटर्न है वो थोड़ा सा ऐसा साइड कर देता हूं आपको कि दिखे ये बेटा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे, ठीक है भाई। चलिए तो ये हो गया बेटा, आपको नोट्स में मैं प्रोवाइड करूंगा तो आपको दिख जाएगा। वो चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, बिना सेल के वो कोई भी क्रियाकलाप को, कोई भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो कुल मिला के भैया सेल से ही मिलकर के टिश्यू बन रहा है, और टिश्यू जो है वो आगे चल के ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन से क्या बन जाती है, ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक इंट्रोडक्शन की बात।
अब यहां देखते जाओ कि क्या क्या है भाई। ठीक है, सेल जो है जीवन की इकाई है, मैंने कहा था पहले ही, जीवन की क्या है बेटा, इकाई है। इकाई का मतलब मैंने कहा था यूनिट है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। ये जो सेल होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर बड़े ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि ह्यूमन की बात हो रही है, सभी के सभी जो है वो सेल से ही मिलके बनते हैं। तो इस पृथ्वी में हर एक जीव, ठीक है, यहां पे लिखता हूं बेटा, हर एक जीव किसे, सेल से मिलकर बना है। ठीक है, बिना सेल के वो कभी भी कोई लिविंग बॉडी नहीं बना सकता। ठीक है, तो चाहे हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जैसे कि प्रोकैरियोट में एग्जांपल ले लो बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया ले लो, बैक्टीरिया एक कोशिका से मिलकर बनता है बेटा, एक कोशिका से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं मोनेरा के बाद में आता है बेटा प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा प्रोकैरियोट नहीं है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट है बेटा, मगर ये भी कितना, एक ही कोशिका से मिलके बना है, सिंगल कोशिका से मिलके बना है। अब जैसे हम बात करें ह्यूमन का, मानव की बात करते हैं, तो ह्यूमन या फिर आप ले लो मानव, भैया ये तो मल्टी सेलुलर है। ठीक है, बहु कोशिकी बोल सकते हैं इसको, मल्टी सेलुलर या फिर बहु कोशिकी होते हैं बेटा। ठीक है, तो यहां पे मैंने नोट कर दिया है ये बंदा कैसा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब ये कि भैया लाइफ बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिल्कुल भी यहां पे रेगुलेट नहीं हो सकती। ठीक है, तीन बंदों का नाम याद करो, कौन कौन है भैया, एक तुम्हारा है बेटा रॉबर्ट हुक, एक का नाम क्या है, रॉबर्ट हुक नाम है बेटा। ठीक है, रॉबर्ट हुक के बाद में एक याद रखना, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक, ये दो साइंटिस्ट हो गए। एक साइंटिस्ट जो बाद में आप स्टडी करेंगे, रुडोल्फ विर्को, हालांकि चलो ठीक है रुडोल्फ विर्को हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने पहली बार इन्होंने सेल को देखा है बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने सेल को देखा था, डेड सेल बेटा। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम डेड सेल को देखा था। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट डिस्कवरर है ये। ठीक है, पहली बार यदि सेल की डिस्कवरी किसने की बोलेंगे, तो आप बोलना रॉबर्ट हुक ने। किसमें देखा था बेटा, कॉर्क कैम्बियम में। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम में इन्होंने देखा था। ओके, और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम इन्होंने सॉ, ठीक है, लिविंग सेल बेटा, इन्होंने लिविंग सेल को देखा। ठीक है, तो यदि दो तरह से क्वेश्चन आएंगे कि भैया डेड सेल को पहली बार, या कि डेड या लिविंग कुछ नहीं बोल रहा है, सेल को किसने पहली बार देखा है, तो बोलना रॉबर्ट हुक ने देखा है बेटा। कब देखा है, 1665 को। ठीक है, 1665 को पहली बार इन्होंने डेड सेल को कॉर्क कैम्बियम सेल से देखा हुआ था, मगर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने अपने एक सिंपल से माइक्रोस्कोप में लिविंग सेल को मूवमेंट करते हुए इन्होंने देख लिया था। तो भैया मेन क्रेडिट जो है वो हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। ठीक है, एक बंदे का नाम रॉबर्ट ब्राउन आपने सुना होगा, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है बेटा न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसको, केंद्रक की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, न्यूक्लियस या फिर केंद्रक की खोज करने वाला कौन है बोला जाए, तो यस आप आंसर ले सकते हैं आपका क्या बेटा, रॉबर्ट ब्राउन है। ठीक है, तो एक हो गया तुम्हारा रॉबर्ट हुक हो गया बेटा, एक हो गया तुम्हारा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, और एक हो गया आपका रॉबर्ट ब्राउन हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो सभी एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन चल रही है। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, एक स्लाइड में एक बेसिक सा सेल के स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं, एक सिंपल सा
हम बना लेते हैं बेटा सेल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो रेड कलर का बड़ा सा आपको दिख रहा है वो हमारा एक सेल है। और आपको पता होगा बेटा कि हमारे सेल में जो सेंट्रल ऑर्गन होता है वो कौन होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। हमारा जो सेंट्रल ऑर्गन है वो कौन है, न्यूक्लियस होता है। तो यहां पे देख लो, ये छोटू सा मैंने बना दिया है न्यूक्लियस, ठीक है। एक सिंगल पेज में आपको डिटेल दिखेगा आपको, ठीक है। एक सिंगल पेज में आपको बहुत डिटेल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मैं अपने आप को नीचे कर लेता हूं, ठीक है, यहां पे रख लेता हूं। थोड़ा और छोटा करने की कोशिश करते हैं इसको, ये कुछ ऐसा कर लेते हैं, ठीक है भाई। इतने में हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो भाई, ये हमारा क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, क्रोमोजोम होता है। तो हमने एक छोटा सा ऐसा क्रोमोजोम बना दिया है, ठीक है। ये ऐसा क्रोमोजोम बना दिया है। और एक न्यूक्लियस के अंदर में और सब ऑर्गेनेल रहता है बेटा। इस सब ऑर्गेनेल को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो मेंशन कर लेते हैं, इस बंदे का नाम है न्यूक्लियस, केंद्रक बोलेंगे इसको, ठीक है, न्यूक्लियस है। ये वाला कौन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियो लस है, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं न्यूक्लियोलस, हालांकि ज्यादा आसान है ये लिखना, ठीक है, इंग्लिश में लिखना ज्यादा आसान है। ये है बेटा क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमोजोम को हिंदी में भी क्रोमोजोम ही कहते हैं। ये तुम्हारा जो अंदर बाहर जा रहा है ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है बेटा। इस पोर से जो भी मटेरियल होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसी मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड कुछ ऐसे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में देख लो, ये ऐसा, और ये बेटा वेसिकल बनाता है कुछ इस तरह से। तो जो न्यूक्लियस से अटैच होती है उसको हम कहते हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिनके सरफेस में ऐसे गोल गोल ग्रेन्यूल आपको दिख रहे हैं ना, जिनके सरफेस में ऐसे गोल गोल ग्रेन्यूल दिख जाए उसको हम कहते हैं बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनके सरफेस में कुछ भी नहीं है उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER और RER के नाम से जानते हैं। ये जो लूप निकला हुआ बेटा इसका नाम है वेसिकल, इसको हम क्या कह देंगे, वेसिकल कह देंगे। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको और देखने को मिलेगा यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं बेटा हमारा, ये तो तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये अंदर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमेन। अब यहां से आगे जाएंगे तो सेम ऐसा ही वेसिकुलर स्ट्रक्चर में आपको कुछ और देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ऐसा कुछ लूप बना लेते हैं तीन, और इसको जोड़ दो बेटा ऐसे, ठीक है भाई। ये ऐसा आया, ये ऐसा जोड़ दो, और इसको ऐसा जोड़ दो, ठीक है। ये इसको ऐसा जोड़ दो, और यहां पे एक वेसिकल बना करके आगे ले जा लो। ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये कौन है बेटा, गॉल्जी बॉडी है। ये कौन है, गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। जो न्यूक्लियस की तरफ देख रहा है बेटा उसको हम कहते हैं सिस गॉल्गी, और जो अपोजिट देखता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस गॉल्गी कहते हैं। मतलब यहां पे दो तरीके का आपको क्या मिल जाएगा, गॉल्जी बॉडी मिल जाएगी। एक को हम कहेंगे सिस गॉल्गी और एक को हम क्या कहेंगे, ट्रांस गॉल्गी कहेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको दिख गया केंद्रक, दिख गया केंद्रक के अंदर में न्यूक्लियोसोम मिल गई, न्यूक्लियोलस मिल गया, और बेटा क्रोमोसोम मिल गया। उससे अटैच्ड में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल गया, और इसको हमने बोल दिया बेटा गॉल्जी बॉडी, ठीक है। ये बाहर में जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको बोलते हैं बेटा कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। और यदि ये प्लांट सेल होता तो इसके बाहर में क्या होता बेटा, सेल वॉल होता। मगर अभी फिलहाल हम एनिमल सेल को बेस बना के चल रहे हैं, ठीक है। आपको ये मान के चलना है कि ये जो मैं डायग्राम बनाया हूं वो एनिमल सेल है, या फिर छोड़ो ये प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों हो सकता है। तो मैं दोनों लिख देता हूं यहाँ पे,
ये या तो प्लांट का सेल है, ठीक है, या फिर इसको हम मान लेते हैं बेटा क्या, एनिमल सेल मान लेते हैं, ठीक है, पादप बोलो या फिर जंतु सेल बोलो, जो भी कैटेगरी आप रखोगे उस कैटेगरी में फिट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बस हमको यहाँ पे सेल वॉल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गॉल्जी बॉडी के साथ साथ आपको और क्या मिलेगा बेटा, एक आपको मिलेगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, इसमें दो मेम्ब्रेन दिखेंगे और अंदर वाला मेम्ब्रेन फोल्डेड दिखेगा बेटा कुछ इस तरह से। तो जैसे ये फोल्डेड मिल जाए, मतलब ये समझ लेना कि ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये छोटे छोटे पार्टिकल जो दिख रहे हैं वो कौन है, राइबोसोम है, ये कौन है, राइबोसोम। और राइबोसोम कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, एक छोटा यूनिट और एक बड़ा यूनिट जो क्या करता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो इस बंदे को हम कह देते हैं बेटा राइबोसोम कह देते हैं, ठीक है। देखो जिसके नाम सेम टू सेम है, जैसे राइबोसोम को राइबोसोम ही बोलते हैं, तो हिंदी में बस लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे राइबोसोम कह देंगे, फिर आपका एक कंटेंट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया बेटा। यदि हम इसको प्लांट सेल जैसा मेंशन करना चाहें तो यहां पे हम एक और मेम्ब्रेन बना लेते हैं कुछ इस तरह से, और यहां पे बेटा सिक्के जैसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा देखने को, ठीक है, ये लैमेली है, ये सिक्के जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं उसको हम ग्रेना कहते हैं बेटा, इस बंदे को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड में एक तो आपका या क्लोरोप्लास्ट होता है, एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, और एक होता है न्यूक्लियस। तो चलो नंबरिंग कर लेते हैं फिर से, तो भैया कितने हुए थे टोटल, पांच, ठीक है। सिक्स नंबर में आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेवंथ नंबर में आपका राइबोसोम हो गया, एट्थ नंबर में आपका क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। यदि इसके बाहर भी लेयर आपको दिखे, मतलब ये कौन है बेटा, सेल वॉल है, क्या है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं बेटा इसको, क्या कहते हैं इसको, कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल की भित्ति होती है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है मगर एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गए हैं ऑलमोस्ट बहुत सारे स्ट्रक्चर हो गए, इसमें और देख लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर आप डाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो राइबोसोम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गई, छोटे छोटे बेटा वेसिकल्स होंगे ऐसे, एक बड़ा सा वैक्यूल भी बना लेते हैं क्योंकि वैक्यूल के बारे में स्टडी करना है, इसमें कुछ भी मत रखो, इसको बोल दो बेटा वैक्यूल है, ये क्या है, वैक्यूल्स है, ये छोटे छोटे क्या है, वेसिकल्स है, ठीक है। और कुछ और ऐसा ग्रेन्यूल जैसा स्ट्रक्चर बना दो, उसको बोल दो लाइसोसोम, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं लाइसोसोम बोल देते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, आठ हो गया, वेसिकल नौ हो गए, आपका वैक्यूल 10 हो गया बेटा, और आपका लाइसोसोम हो गया बेटा 11, ठीक है। और आप सेल वॉल को लेके चलेंगे तो इसको बोल दो 12, मतलब कि आपको कई सारे वैरायटी मिल जाएंगे। सेल के अंदर में माइक्रो ट्यूब्यूल एंड माइक्रो फिलामेंट होते हैं, सेल के अंदर में माइक्रो ट्यूब्यूल और माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं, तो इनको आप मेंशन कर सकते हो, ये कौन है, तो माइक्रो ट्यूब्यूल्स कह दो या फिर इसको कह दो बेटा माइक्रो फिलामेंट, ठीक है, माइक्रो ट्यूब्यूल या फिर माइक्रो फिलामेंट्स कहते हैं। तो अल्टीमेटली ये एक बेसिक फंडामेंटल डायग्राम हो जाएगा आपके सेल का, कि भैया सेल कैसे दिखता है, यदि आपको बताना हो तो आप कुछ इस तरह से बता सकते हैं, यहाँ जो नीचे मेंशन किया बेटा माइक्रो ट्यूब्यूल और माइक्रो फिलामेंट है, ठीक है। तो सेल इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर मैंने आपको मेंशन की है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब के बारे में जानना। चलो एक एक बार गो थ्रू करते हैं, बताओ मुझे न्यूक्लियस का काम क्या बेटा, इट इज सेंट्रल ऑर्गन, ये हमारा सेंट्रल ऑर्गन है, पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर में सब ऑर्गेनेल होती है, जिसका नाम है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस का स्टार्ट पॉइंट क्या आपको पता है, यहां पे बनता है बेटा राइबोसोमल आरएनए बनता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम या राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस या फिर प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो न्यूक्लियोलस के अंदर में होता है। क्रोमोसोम पता है बेटा, हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम में हमारे जीन होते हैं
और उसी जीन से हमारे बॉडी के वैरायटी ऑफ प्रोटीन का क्या होता है यहाँ पे सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई यहाँ की बेसिक बातें। हम क्या करते हैं बेटा, एक पहले देख लेते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या क्या डिफरेंस है जो कि एग्जाम में आता है। उसके बाद हम देख लेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है। और एक हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? सेल थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि भैया बहुत फेमस है, साइंटिस्ट का नाम तो पूछता ही है उसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं। और ठीक है बेटा, तो सेल का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर या फंडामेंटल आप देख सकते हैं कि भाई कितने वैरायटी ऑफ यहाँ पे ऑर्गेनेल है। जैसे कि देखो, सबसे पहले जैसे हमने बात किया भैया न्यूक्लियस, ये अब समझ गया, क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक तुम्हारा रफ और एक हो गया स्मूथ। रफ में बेटा राइबोसोम है, मतलब ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और स्मूथ में राइबोसोम नहीं है, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, ये लिपिड का बायोसिंथेसिस और कैल्शियम का स्टोरेज करता है। ये दो लाइन याद रखोगे तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, गॉल्जी बॉडी और ईआर दोनों प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिकिंग में काम आते हैं, मतलब ये वेसिकल के फॉर्म में किसी भी टारगेट बायोमोलिक्यूल को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल के अंदर में कहीं भी और सेल के बाहर में कहीं भी। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको अच्छे से पता है बेटा कि इनके पास पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं, इसीलिए वहां पे क्या होता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होती है। वैक्यूल में अनवांटेड मटेरियल, सैप हो गया, लिक्विड पार्ट हो गया, एक्सक्रीटरी कंपोनेंट्स हो गया, वो स्टोर होते हैं। वेसिकल एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह का आउटर बाउंड्री होती है जो सेल के अंदर लिक्विड को संभाल के रखता है। और आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड पोर्शन को हम बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य के अंदर में ये विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनेल होते हैं वो तैरते रहते हैं और अपना काम, जो भी इनका पर्टिकुलर काम होता है, वो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे बेटा ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, इस डायग्राम को बनाना नहीं है, बस मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूं कि जब हम बात करते हैं प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल में सबसे जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है वो कोशिका भित्ति होती है बेटा। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और कोशिका भित्ति के अंदर में कोशिका मेम्ब्रेन होता है या कोशिका की झिल्ली होती है। कोशिका की क्या बोलेंगे इसको? झिल्ली बोलेंगे। ठीक है, बाकी आप बोलेंगे राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होती है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है, बाकी सब ठीक है कॉमन है। हाँ भाई, एक देखो बेटा वैक्यूल, ये जो बड़ा सा वैक्यूल दिख रहा है आपको ना, ये भी यूनिक है। प्लांट सेल में वैक्यूल की साइज बहुत ज्यादा होती है और एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, मगर छोटे होते हैं। ये देख लो, स्मॉल साइज के होते हैं, ये वैक्यूल है। मगर इसका जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, तो ये बातें आपको बेसिक डिफरेंस में समझ में आ जाएगा। पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे बेटा कोशिका सिद्धांत देख लेंगे। तो इसको मैं स्विच करके यहां ले आता हूं। चलो भाई, सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन दी प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ठीक है, तो मैंने भैया अपने स्लाइड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। चलिए एक एक करके डिफरेंस बताते जाओ। सबसे पहला डिफरेंस हमारे प्रोकैरियोट का क्या है? अच्छा हाँ, यहाँ पे प्रोकैरियोट को पी के नोट कर देते हैं और यहाँ पे यूकैरियोट को ई के नोट कर देते हैं बेटा। ठीक है, अब तुमको बताना है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है। एकदम बेसिक सा डिफरेंस, एकदम टिपिकल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलो प्रोकैरियोट का जो इवोल्यूशन है बेटा, प्रोकैरियोट का जो इवोल्यूशन है कि इस दुनिया में आया कब, इवोल्यूशन अनुमानित तौर पे लगभग, ठीक है, लगभग 3.5 बिलियन ईयर, ना 3.5 बिलियन ईयर पहले, ईयर्स पहले हुआ था। ठीक है,
मतलब देख रहे हो आप कि इसका समय जो है आज से 3.5 बिलियन ईयर्स पहले ही आया हुआ था, मगर जब हम इसको यूकेरियोट की बात करेंगे तो यूकेरियोट कैसा नहीं बेटा, यूकेरियोट का इवोल्यूशन भैया प्रोकेरियोट के बाद ही होगा, क्योंकि प्रोकेरियोट से ही यूकेरियोट बना है। इसका बेटा लगभग 1.5 होता है, लगभग 1.5 बिलियन ईयर एगो को ना बाया कहते हैं शॉर्टकट में, पहले हुआ है, ठीक है, या हुआ था करके नोट कर देते हैं। ये हो गया तुम्हारा पहला सिंपल डिफरेंस के बाद। चलिए भाई सेकेंड पॉइंट बताओ मुझे कि दोनों के बीच में और क्या डिफरेंस है। जैसे कि बेटा आकार की बात करते हैं, आकार मतलब हम बात करें किसका, साइज का, तो साइज जो है बेटा इसमें क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है, और ये बंदा कैसा होता है, लार्ज साइज का होता है। इसका साइज के बेस पे क्या होगा, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जिसकी साइज छोटी होती है, मतलब जिस सेल की साइज जो है वो छोटी होती है, उसमें बेटा सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो जो है, ठीक है, सरफेस अपॉन वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, कम होता है भाई। एक मिनट इसमें देखो, इसमें कंडीशन दिखाता हूं तुमको, ठीक है बेटा। तीसरा डिफरेंस देखते हैं, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो को हम सतह से आयाम अनुपात कह सकते हैं बेटा, ठीक है, सतह से आयाम अनुपात कह सकते हैं। तो सरफेस टू वॉल्यूम जो रेशियो होती है बेटा, जिसकी बॉडी साइज छोटी होती है, उसमें इनका जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होता है वो ज्यादा होता है, मतलब कि आप बोल सकते हैं हाई होता है। जबकि जिनका लार्ज बॉडी साइज होगा, जैसे कि यूकेरियोट की लार्ज बॉडी साइज होती है, तो इनका सरफेस अपॉन सरफेस टू वॉल्यूम जो रेशियो हम बात करते हैं, ये क्या होगा बेटा, कम होगा, ठीक है। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कम होता है, या फिर आप बोल सकते हैं लो होता है, कम होता है, ठीक है। तो हिंदी में भी यहां इसको आपको जो सूटेबल लगे वो नोट कीजिएगा। मेनली हमने जो एक कोर्स लॉन्च किया है वो हिंदी मीडियम के बच्चों को बेस में रख करके किया हुआ है, ठीक है बेटा। राइबोसोम की बात करते हैं, आपको पता होगा जब हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं बेटा, तो प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही राइबोसोम रहता है, सिर्फ 78 राइबोसोम, 70S जो है वो प्रेजेंट होता है। मगर यदि मैं यूकेरियोट की बात करूं, तो यूकेरियोट में 70S एंड 80S राइबोसोम, ठीक है, 70S एंड 80S राइबोसोम दोनों प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है, दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। देखो शॉर्टकट में प्रेजेंट को लिखने के लिए प्लस SNT लिख देते हैं, तो आपका जो नोट्स है बेटा ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा और बहुत इंटरेक्टिव बनता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, कितने डिफरेंस हो गए बेटा, 4 डिफरेंस हो गए। अब यदि हम बात करेंगे, आपको पता होगा प्रोकैरियोट, देखो इसका नाम क्या है, इंग्लिश में देखते हैं प्रो, प्रो का मतलब होता है बेटा इनिशियल, ठीक है, और कैरियोट का मतलब होता है, कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस की बात हो रही है, ठीक है, न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो प्रोकैरियोट मतलब कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है, ठीक है, मतलब इसका जो न्यूक्लियस होगा वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अब्सेंट होती है बेटा, मेम्ब्रेन से बंधा हुआ, मेम्ब्रेन से बंधा हुआ केंद्रक, ठीक है, अनुपस्थित होती है बेटा, अनुपस्थित होता है, ठीक है। मगर यहां ऐसा नहीं होता, यू कैरियोट में यू का मतलब हो जाएगा, एक तरह से बोल सकते हो बाद में आना, या फिर बोल दो वेल डेवलप्ड, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, वेल डेवलप्ड कह देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है बेटा, ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओके। ये हो गई तुम्हारा डिफरेंस नंबर क्या हो गया बेटा, 5 हो गया।
सिक्स नंबर के डिफरेंस में हम डिविजन की बात करते हैं तो ना तो एम इसमें क्या होता है, जैसे सेल का विभाजन की बात करते हैं, कोशिका विभाजन, ठीक है, सेल का विभाजन की बात करते हैं तो यहां बेटा माइटोसिस मियोसिस कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो मैंने कहा नो माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस मियोसिस नहीं है, यहां पे माइटोसिस भी होगा एंड मियोसिस भी होगा, ठीक है, माइटोसिस भी तो होगी और साथ में आपको क्या मिल जाएगा बेटा, मियोसिस भी मिल जाएगा, ठीक है। दोनों के द्वारा विभाजन होता है, ठीक है, मगर विभाजन कहां कहां होता है उसको हम बाद में देखेंगे तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर यार माइटोसिस मियोसिस कुछ भी तो नहीं हो रहा है तो कहां होता है वो सभी चीजें, तो इसको हम आगे यहां पे देखते हैं, एक मिनट यहां पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड जैसा हमने किया था वैसे ही डिविजन हम कर लेते हैं बेटा। अब देखो जैसे कि तो इसमें जो डिविजन है बेटा वो किसके किसके थ्रू होता है, तो बडिंग के थ्रू होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, और जैसे आप एक ले सकते हैं बाइनरी फ्यूजन हो गई, बाइनरी फ्यूजन हो गया, ठीक है। बडिंग मतलब तो समझते होंगे बड फॉर्मेशन, जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में छोटा सा बड बना और ये छोटा सा बड सेपरेट होकर के क्या हो गया, एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बना लिया, बडिंग हो गई। मगर यहां जब यूकेरियोट में हम बात करते हैं माइटोसिस का, तो माइटोसिस जितने भी सोमेटिक सेल हैं, ठीक है, सभी प्रकार के सोमेटिक सेल, ठीक है बेटा, सोमेटिक सेल में जो होती है वो माइटोसिस होती है, और जब हम बात करते हैं ना बेटा मियोसिस का, तो हमारा जो गैमीट फॉर्मेशन होती है, गैमीट मतलब समझते हैं ना, गैमीट फॉर्मेशन के लिए ये होता है, और गैमीट फॉर्मेशन आप अच्छे से जानते हैं, जैसे कि जो मेल है बेटा, मेल हो गया, यहाँ पे हम नोट कर देते हैं फीमेल हो गया, मेल में जो गैमीट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, फीमेल में जो गैमीट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। तो स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन जो है वो इसी से होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको सिंपली क्लियर होना चाहिए। यदि हम सेल के कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो एक तरह से सरल या फिर आप बोल सकते हैं कम जटिलता इसमें आपको मिलेगी, ठीक है, जटिलता। मगर आपका जो यूकेरियोट्स होता है बेटा हाईली कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आपको मिलेगी। हाईली कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि यहां पे आपको जटिलताएं मिलेगी, ठीक है। इन जटिलताओं के कारण जो यूकेरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, ठीक है। ये चीजें भी समझ में आ गया। तो ऑलमोस्ट हमने जितने भी सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन होने चाहिए जो प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में आपको दिखता है वो यहां पे समझ में आ गया। हाँ भाई, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहीं पे मेंशन है, नहीं है, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल होते हैं नहीं होते हैं बेटा, इसमें विकसित नहीं होते, ठीक है, नहीं होते। यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा बेटा ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में गॉल्जी बॉडी हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। ये सभी चीजें जो है यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है, मगर प्रोकैरियोट में ये सभी चीजें आपको देखने को नहीं मिलता है बेटा। तो इस तरीके से आप काउंटिंग कर लो भाई कितने डिफरेंसेस हो गए। तो यहाँ पे आपका डिफरेंसेस की कमी नहीं, इस पेज में आपको दिख रहे हैं बेटा टोटल 6 डिफरेंसेस दिख रहे हैं ना,
ठीक है, और इस वाले पेज में देख लो, ये आपका हो जाएगा 7 differences और ये आपका हो जाएगा बेटा 8th number of differences। तो बिटवीन सेल, सेल में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को हमने यहाँ पे समझा, और ये समझने के बाद हमको बेटा एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है बेटा कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत के लिए ना तीन बंदों के नाम याद कर लो पहले, ठीक है? तीन बंदों के नाम आपको याद करने हैं। बंदा नंबर वन जो कि बॉटनिस्ट है, बंदा नंबर टू जो कि जूलॉजिस्ट है, और बंदा नंबर थ्री जो इन दोनों से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया है, ठीक है? तो आपको तीन कैटेगरी है जो सेल की, उसको आपको बेटा इसमें आपको बताना है, ठीक है? तो सबसे पहला जो बंदा है उसको डेट याद कर लो, ठीक है? ये 1838 की बात है, 1838। सेकेंड बंदे के नाम 1 साल बढ़ा दो, 1839। और तीसरा बंदा है बेटा 1855, 1855, ठीक है? तीन बंदे होंगे। पहले बंदे का नाम यदि आपको पता होगा तो भैया ये बॉटनिस्ट है जिसका नाम बेटा मैथियस लीडन है, ठीक है? या मैथियस बोल सकते हैं, मैथियस लीडन है इसका नाम। मैं दोनों नोट कर देता हूं। इस बंदे का नाम क्या है? मैथिस, ठीक है बेटा, स्लीडन है, ठीक है भाई, मैथिस स्लीडन है। तो या तो आप हिंदी में इसको जब नोट करेंगे तो सिर्फ स्लीडन नोट कर लीजिए, ठीक है? स्लीडन है। और इस बंदे का नाम है बेटा स्वान, ठीक है? इसका नाम क्या है? स्वान है। स्वान आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लेंगे, क्योंकि कई कई बार हिंदी में बड़ा अजीब सा नाम आ जाता है जो चीजें समझ में नहीं आती। पूरा नाम है बेटा इसका थियोडर, ठीक है? थियोडर स्वान नाम है इसका, ठीक है? SCH आ जाएगा, थियोडर स्वान। और तीसरे बंदे का नाम है बेटा रुडोल्फ, ठीक है? इसका नाम क्या है? रुडोल्फ विरको नाम है बेटा। क्या नाम है इसका? रुडोल्फ विरको नाम है। तो हिंदी में भी चाहो तो लिख लो इस बंदे का नाम क्या है? रुडोल्फ विरको है। तो रुडोल्फ विरको हो जाएगा, ठीक है? लिखने को ऐसा लिखेंगे इसको, विरचो लिखेंगे बेटा। तो रुडोल्फ विरको, तीन बंदे हो गए बेटा। चलिए सबसे पहले ये बंदा जो है मैथियस लीडन वो कौन है? तो लिखना बॉटनिस्ट है बेटा। क्या है? बॉटनिस्ट है। बॉटनिस्ट का मतलब ये होता है वनस्पति शास्त्री, वनस्पति, एक मिनट, वनस्पति, ठीक है, शास्त्री है, ओके। और ये बंदा जो है वो कौन है बेटा? जूलॉजिस्ट है। ये बंदा कौन है? जूलॉजिस्ट है, प्राणी शास्त्री बोल सकते हैं, प्राणी शास्त्री बोल देते हैं, ठीक है? इन दोनों के बारे में आपको चीजें जो है क्लियर होना चाहिए। इन तीनों ने, अच्छा इन तीनों में ये बंदा बाद में आएगा, पहले तो सेल थ्योरी किसने दिया है बोलेंगे, तो आप दो बंदों का नाम याद रखेंगे। कौन कौन बेटा? तो एक लाइन में स्लीडन और स्वान नाम याद रखना है बस, 1838, 1839, ठीक है? मतलब फाइनली जो जिसने मॉडिफाई किया, ठीक है, मतलब ये बंदा सेल थ्योरी को इन्होंने मॉडिफाई किया बेटा, मॉडिफाई करके, ठीक है, अंतिम प्रारूप इन्होंने बनाया है, अंतिम प्रारूप बोल सकते हैं, बनाया है अपन रुडोल्फ विरको ने, ठीक है? तो फाइनल जो एक्सपोजर देने वाला बंदा था वो कौन था तुम्हारा? रुडोल्फ विरको था बेटा। ये इनका एक स्टेटमेंट जो एग्जाम में आता है, स्टेटमेंट की बात कर, इनका इन्होंने कुछ कहा था। क्या कहा था? इन्होंने कहा था बेटा ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है? याद रखना स्टेटमेंट, ओमनीस सेलुला ई सेलुला कहा था। अब ओमनीस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा।
तो इन दोनों ने स्टेटमेंट दिया, किसने किसने, इस बंदे ने स्टेटमेंट दिया बेटा, जिसको हमने कह दिया सेल थ्योरी। क्या कह दिया? सेल थ्योरी। इस पूरे दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी सेल से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। तो भैया चलो दुनिया ही लिख देता हूं, दुनिया में सभी जीव, ठीक है, सभी जीव कोशिका से मिलकर बनते हैं, कोशिका से मिलकर बनते हैं बेटा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भैया जैसे जो सेल थ्योरी का है वो तुम्हारा ओमनी सेलुला ई सेलुला है बेटा। मतलब इस सेंटेंस का मतलब यहां पे बताऊंगा। सेकेंड क्या कहता है देखो, तो ओमनी सेलुला सेलुला ई सेलुला, ठीक है, मतलब कि एवरी सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या बोल रहे देखो, एवरी सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बना हुआ है बोल रहा है। मतलब इस दुनिया में कोई भी सेल हो जाए वो पहले से जो सेल प्रेजेंट है उसी से नए सेल बनते हैं, ये स्टेटमेंट का मतलब है, ठीक है। तो हर एक सेल पहले से मौजूद सेल, ठीक है, पहले से मौजूद सेल से बनता है या फिर उसकी उत्पत्ति होती है बेटा। बनता है बोल दो या फिर उसकी क्या बोल देंगे अपन, उत्पत्ति होती है बोल देंगे। तो इसको अपन कहीं पे एडजस्ट कर देते हैं, यहां एडजस्ट कर देते हैं क्योंकि यहां पे कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो ओमनी सरला ई सरला स्टेटमेंट किसने दिया यदि आपसे पूछेगा, ठीक है, तो आप बता देना कि ये बंदा कौन है। हमारा रुडोल्फ वेरको है। तो रुडोल्फ वेरको ने ये स्टेटमेंट दिया और इन्होंने फाइनल शेप दिया बेटा तुम्हारे सेल थ्योरी को। तो यदि कभी पूछे कि सेल थ्योरी को इंट्रोड्यूस कौन किया है, तो आप इन दो बंदों का नाम लेना, ठीक है, इन दो बंदों का नाम हमको लेना है। मगर यदि ऐसा पूछे आपसे कि भैया फाइनल शेप किसने प्रोवाइड किया है, तो बंदे का नाम लेना रुडोल्फ वेरको, ठीक है। मतलब किसी भी सेल जो मौजूदा कोशिका के विभाजन से नई कोशिकाएं उत्पन्न होती है, ऐसा कहना है किसका, कोशिका सिद्धांत का। तो देखो बेटा साइंटिस्ट कितने हो गए, सबसे पहले आ गया आपका रॉबर्ट हुक जिन्होंने डेड सेल को पहली बार देखा था, उसके बाद में सेकेंड नंबर में एंटोन वॉन लिवेनहॉक हो गया जिन्होंने लिविंग सेल को पहली बार डिस्कवर किया था, तीसरे नंबर पे आ गया तुम्हारा रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने केंद्रक की खोज की थी, चौथे नंबर में बेटा स्लीडन और स्वान 1839-1838, दो है, एक बॉटनिस्ट है एक जूलॉजिस्ट है, इन दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दिया था। इस दुनिया के किसी भी सेल की बात करेंगे, कोई भी जीव की बात करेंगे, वो सेल से मिलकर बने होगा। यदि वो नॉन लिविंग है तो भले ही हो सकता है कि सेल से मिलकर के ना बना हो। और जो इसका फाइनल प्रारूप है बेटा वो रुडोल्फ वेरको ने दिया। उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब ये होता है कि इस दुनिया के जो भी सेल होते हैं वो पहले से उपस्थित मौजूदा सेल से विभाजित होकर के बनते हैं। तो ये रहा आपका डिटेल अबाउट दी सेल थ्योरी या फिर कोशिका सिद्धांत, ठीक है। तो ओवरऑल आपको जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई है मेरे ख्याल से। इसको सेम टू सेम जैसे मैं बाइलिंगुअल नोट कर रहा हूं बेटा, देखिए ठीक है, हिंदी में बायोलॉजी को नोट कर पाना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, बाइलिंगुअल नोट कर रहे हैं। जैसा बाइलिंगुअल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वैसा सेम टू सेम आप नोट करो और इसी कंटेंट को एक बेहतरीन नोट्स बना करके हाईलाइटर यूज करके जितने बार बोलूं उतने बार पढ़ो। जैसे ही सेल कंप्लीट होगा फिर मैं आपका एक बड़ा टेस्ट मेगा सीरीज करवाऊंगा जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको बनाना है। बनाने के बाद आपको आंसर की प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितने नंबर आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये रहा बेटा आपका कोशिका सिद्धांत का डिटेल, ठीक है।
ठीक है, तो हमारे पास समय बचा हुआ है, तो थोड़ा सा और भी चीजों को कवर कर लेते हैं बेटा। हम कवर कर लेते हैं साइज एंड शेप ऑफ सेल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो पार्ट में पहले इसको डिवाइड कर दो भाई। कैसे डिवाइड करेंगे, कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं, कलर चूज कर लेते हैं व्हाइट। ठीक है, ये दो पार्ट में हमने इसको क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। एक इधर में हम साइज के बात करेंगे, इधर हम शेप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बेटा साइज का। काला कलर तो दिखेगा नहीं, तो फिर से लिख देता हूं, ये आ जाएगा आपका साइज, और इधर हम बात करेंगे किसका, शेप की बात करेंगे। ठीक है, साइज और शेप की बात करेंगे। तो याद रखना, इस दुनिया में अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, तो याद रखना सेल की जो साइज होती है, कलर गड़बड़ हो रहा है, यहां लेते हैं, सेल की जो साइज होती है, साइज में क्या पाई जाती है बेटा, भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, भिन्नता पाई जाती है, क्यों पाई जाती है भैया? ठीक है, ये डिपेंड करता है उसके कार्य पर। ठीक है, सेल के कार्य और जो इसका स्ट्रक्चर है, संरचना की बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले ना, एकदम की पॉइंट बता रहा हूं, उसको याद करो, इस दुनिया का सबसे छोटा सेल, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे लार्जेस्ट की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लार्जेस्ट सेल तो ठीक है, मगर क्यों ना मैं इसको ह्यूमन सेल, देख लार्जेस्ट ह्यूमन सेल बात करूं। सिर्फ ह्यूमन में सबसे बड़ा सेल कौन है, ये तीन आपको याद करना है बेटा। तो इस दुनिया का सबसे छोटा वाला सेल जो है वो कौन है, माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, माइको प्लाज्मा है, इंग्लिश में भी नोट कर देता हूं, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा आपके बैक्टीरिया के खानदान से बिलोंग करता है, मतलब बैक्टीरिया वाले कैटेगरी में रखते हैं, बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा बोलेंगे बेटा तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होती है, ऑस्ट्रिच। ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, वो सबसे बड़ा सेल होता है इस दुनिया का, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज साइज का होता है बेटा। और कोई बताएगा मुझे कि हमारे बॉडी में सबसे बड़ा सेल जो लंबा होता है, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को चीजें क्लियर हो गई है, लंबा सेल तो एक ही है बेटा, हमारा न्यूक्लियर सेल। ठीक है, न्यूक्लियर सेल कह दो पहले, तो न्यूक्लियर सेल का मतलब है हमारे तंत्रिका सेल की बात हो रही है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका की बात हो रही है, तो ये होता है बेटा सबसे बड़ा सेल। ठीक है, शेप यार उतना याद मत करो, शेप भाई अलग अलग हो सकता है, जैसे कि डिस्क लाइक हो सकता है। ठीक है, ये तो हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं, डिस्क लाइक हो सकता है। ठीक है, पॉलीगोनल हो सकता है, पॉली गोनल हो सकता है, या फिर इसको कॉल्यूमनार कह सकते हैं। कॉल्यूमनार मतलब ऐसे ऐसे सेल हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकते हैं, कॉल्यूमनार हो गया, घनाकार बोल सकते हो, क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल बोल सकते हो, घनाकार कह सकते हो, मतलब वैरायटीज में आपको दिखेगी, या तो वो रेगुलर होगा, ठीक है, या फिर वो क्या हो सकता है, इररेगुलर हो सकता है, मतलब इनका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है, मतलब वैरायटीज में वो चेंज हो सकता है बेटा। ठीक है, यहां पे ले आता हूं, तो ये साइज की बात हो गई और ये हो गई आपके शेप के बारे में बात हो गई। ठीक है, अब इसी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ना बेटा हम एक कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि आप चीजों को समझ पाओ। ठीक है, तो चलो यहां पे हम ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। एक तरफ हम लिख देते हैं बेटा प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स या फिर आप बोल सकते हैं एक कोशिकी, और यहां पे हम नोट कर देते हैं यूकैरियोट्स। हालांकि यूकैरियोट्स में भी एक कोशिकीय सेल या जीव होते हैं,
प्रोकैरियोट्स को याद रखना बेटा, इनको रखा गया है कहां पे, मोनेरा में, किंगडम मोनेरा में रखा गया है। ये किंगडम जो मोनेरा होता है उसमें ज्यादातर एक कोशिकी जीव को रखा गया है, ठीक है, एक कोशिकी जीवों को रखा गया है। इसको भी हम ना बेटा दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किस बेस पे, तो याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ 16S सिग्नेचर सीक्वेंस होती है। ये थोड़ा हायर लेवल का है मगर पीजीडी में बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी आ सकता है, ठीक है, सिग्नेचर सीक्वेंस की बात कर लेंगे, ठीक है। तो सिग्नेचर सीक्वेंस के बेस पे हमने ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया है बेटा। एक को हम कहते हैं प्राचीन काल का बैक्टीरिया, मतलब ये आ जाएगा आपका आर्की बैक्टीरिया में, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में आ जाएगा, और एक आ जाएगा बेटा यू बैक्टीरिया में आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में लिख दो इसको आर्की बैक्टीरिया, और ये आ जाएगा बेटा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में आपको पता है कि हमारा जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है वो यू बैक्टीरिया में आता है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात सिर्फ प्रोकैरियोट्स की। यदि हम बात करें यूकैरियोट्स का, तो यूकैरियोट्स को हम फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक यहां रख लेते हैं बेटा, एक यहां पे नोट कर देते हैं यूनिसेलुलर बोल के। अब यूनिसेलुलर भी होते हैं ना, एक कोशिकी, एक कोशिकी, और इधर हम बात कर लेते हैं मल्टी सेलुलर का, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर मतलब हम बात कर रहे हैं बहु कोशिकी का, ठीक है भाई। तो एक कोशिकी में दो तरीका हो सकता है, एक फोटोसिंथेसिस करने वाला और एक फोटोसिंथेसिस नहीं करने वाला, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने वाला और नहीं करने वाला। तो यहां लिख देता हूं बेटा फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, और यहां लिख देता हूं नॉन फोटो सिंथेटिक, ठीक है, समझ में आ रहे ना। एक फोटोसिंथेटिक हो जाएगा और एक जो है नॉन फोटोसिंथेटिक हो जाएगा। अच्छा, फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट होता है बेटा, ये यूनिसेलुलर को किस खानदान में रखा गया है, तो ये मोनेरा किंगडम है, ये मोनेरा किंगडम है। मोनेरा के बाद आता है बेटा प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा जो है वो सेकेंड नंबर का किंगडम है। और यहां पे जो आपका फोटोसिंथेटिक की बात हो रही है ना, फोटोसिंथेटिक की बात हो रही है, तो इसमें आपको एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनो फ्लैजिलेट्स, ठीक है भाई, यूग्लिना, एक हो जाएगा आपका योगलीना, और एक है बेटा जैसे कि डाई एटम्स, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। नॉन फोटोसिंथेटिक में मतलब कौन कौन है जो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं करता उसके बेस पे, तो इसको अपन और ऐसा डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है भाई, कौन कौन है। तो जैसे बेटा स्लिम एंड मोल्ड्स, स्लिम एंड मोल्ड्स, ठीक है, इसको यही बोलते हैं हिंदी में, स्लिम फफून बोल सकते हैं। एक आ जाएगा बेटा आपका प्रोटोजोवा, कौन आ जाएगा, प्रोटोजोवा, और एक आ जाएगा ओमाइसिटीज, ठीक है, एक आ जाएगा आपका क्या, ओमाइसिटीज। तो इतने कैटेगरी आपको याद करने हैं। बहुकोशिकी में बेटा दो आप कैटेगरी बनाना, एक जो खाना अपना खुद बनाते हैं, तो यहां ले लो आप फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटो सिंथेटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसमें फोटोसिंथेटिक बोलने से पहले ऑटोट्रॉपिक बोल दो, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, और ऑटोट्रॉप्स मतलब फोटोसिंथेटिक प्लांट की बात हो रही है बेटा, ठीक है। और दूसरा जो कैटेगरी आएगा वो आ जाएगा बेटा हेटरोट्रॉपिक का, मतलब ये अपना खाना नहीं बनाते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, इसको कह देंगे हेट्रो
ट्रॉपिक कह देंगे। और हेटरोट्रॉपिक में आते हैं बेटा दो एग्जांपल, एक आ जाएगा आपका फंजाई और एक आ जाएगा आपका एनिमल आ जाएगा। अब एनिमल और फंजाई में भी डिफरेंस होती है। यदि कभी एग्जाम में पूछे कि एनिमल और फंजाई में क्या डिफरेंस है, ठीक है, एनिमल में और फंजाई में या फिर फंगस में क्या डिफरेंस है, यदि आपसे पूछे तो आप बताना बेटा कि एनिमल जब फूड को खाता है तो फूड का क्या करता है, इंजेशन करता है, फूड को क्या करता है बेटा, इंजेस्ट करता है, ठीक है, फूड का इंजेशन करता है, मगर ये कैसा करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। तो इंजेशन और एब्जॉर्प्शन के बेस पे एनिमल और फंजाई दोनों के दोनों क्या हैं, अलग अलग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो या इस ये जो स्लाइड है ना, इस स्लाइड से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने के चांसेस होती है, तो उसको आपको देखना है, ठीक है। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। हमने आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया हुआ है, तो ये देख लो आपके पास एक बेस्ट कंटेंट मिलेगा जिसको मैंने आपको प्रोवाइड किया है आज। ये मत भूलना कि ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है, आज का लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्शन है। आपको इतना बेहतर कंटेंट दूंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, इस बात की श्योरिटी है। आप पूरे यूट्यूब में छान मारो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में यदि कोई कंटेंट दे दे पीजीटी में तो वो इम्पॉसिबल है बेटा। 2016 से मैं नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कराता हूं और नीट एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वही लेवल के क्वेश्चन आपके पीजीटी में भी आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि किस लेवल तक बच्चों को टच कराना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आपको यदि सुदेश सर पे भरोसा है तो हमारे लिंक में जाइए और हमारे ऑनलाइन कोर्स को परचेस कीजिए। अभी 50 स्टूडेंट के लिए प्राइस कम है 4,000 रुपए, फिर बाद में वो जो प्राइस है बेटा वो बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ जाएगा फिर बाद में मत बोलना कि सुदेश सर आपने प्राइस को बढ़ा दिया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है भाई कि प्राइजेस जो है वो 50 स्टूडेंट के बाद उसकी जो प्राइस है वो 4,999 की हो जाएगी, मतलब 5,000 रुपए की हो जाएगी। अभी वो प्राइस जो है वो 4,000 रुपए की है, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं और हमारे साथ पेड कोर्स में बेनिफिट ले सकते हैं और अपने टीचर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं जैसे मैं बना हूं। तो मैं भी चाहूंगा कि मेरे बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई करे और एक बेहतर टीचर बने, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं हमारे यूट्यूब में, या फिर आप हमारे इसमें आ सकते हैं बेटा, हमारा जो लिंक है आप गूगल में लिखिएगा www. ठीक है लाइफ साइंस, बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा, लाइफ साइंस ट्यूटोरियल्स करना, ठीक है, ट्यूटोरियल्स के बाद में .com, इसमें आप जाएंगे तो आपको कोर्स का डिटेल मिल जाएगा। आपको अपने मेल से लॉगिन करना है बेटा, और लॉगिन करके आपको तीन कोर्सेस मिलेगी वहां पे। एक मिलेगा आपको सीजी सेट का, ठीक है, सीजी सेट का मिलेगा, एक आपको पीजीटी बायोलॉजी मिलेगी और एक आपको सीएसआईआर नेट मिलेगा। तो तीनों में से जो भी नीड है आपके कोर्स की वो आप परचेस कर सकते हैं। हाँ, जो भी सुदेश सर की बायोलॉजी आपको अच्छी लगती है तो हमारे दो चैनल है बेटा, एक लाइफ साइंस ट्यूटोरियल है और एक है सुदेश सर बायोलॉजी। पीजीटी के जो भी वीडियोस हैं वो आपको सुदेश सर बायोलॉजी की चैनल में मिलेगी। तो अभी तक आपने यदि उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरे 3 चैप्टर का फ्री वीडियो मैं वहीं पे अपलोड करूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।